नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। देश की खबरों के साथ मैं हूं आकाश। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन पर अनिश्चितता रविवार को और बढ़ गई। पीडीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर और नई दिल्ली के बीच जो अविश्वास की खाई है उसे भाजपा को दूर करना होगा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह सत्ता के लिए राज्य और पार्टी हितों की बलि नहीं देगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले वह इस बात का दोबारा आकलन करेगी कि केंद्र की भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर से जुड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक मसलों के लिए एक तय समय सीमा में ठोस कदम उठा पाएगी या नहीं। और अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर ओबीसी के तहत आरक्षण की मांग को लेकर कापू समुदाय के लोगों का आंदोलन हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्वी गोदावरी जिले के तुनी रेलवे स्टेशन पर रत्नाचल एक्सप्रेस के 4 डिब्बों में आग लगा दी, जिससे विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम खंड में ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई है। पुलिस वाहनों में आगजनी की घटना हुई है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में 15 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को पार्टी के विभिन्न सहयोगी संगठनों के कामकाज की समीक्षा की और उनसे कहा कि वे सरकार की ओर से शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाएं। दोबारा पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद अमित शाह ने पहली बार भाजपा के विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ बैठक की। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले के खिलाफ दाखिल कांग्रेस की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले 27 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस पर केंद्र ने 2 दिन बाद कोर्ट के सामने अपना हलफनामा पेश किया, जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को ये कहते हुए उचित ठहराया गया कि राज्य में शासन और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सोशल वर्कर और फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी के पति ब्रिज बेदी की रविवार को गुड़गांव के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। किरण बेदी ने बताया कि 76 साल के ब्रिज बेदी को ब्लड कैंसर था, जिससे उनकी किडनी भी प्रभावित हो गई थी। पिछले 5 माह से उनका अमृतसर और दिल्ली में इलाज चल रहा था। उन्होंने कहा कि उनको 28 जनवरी को अमृतसर कॉर्टिफिस एक्सकॉर्ट से विमान से मेदांता द मेडिकल हॉस्पिटल लाया गया और आईसीयू में भर्ती कराया गया। भाजपा सांसद रविंद्र कुशवाहा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी से निकालने की मांग करते हुए कहा है कि मंत्री ना बन पाने के कारण दोनों नेता असंगत बयान देकर दल को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिले की सलीमपुर सीट से सांसद कुशवाहा ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा पर तीखे हमले किए। और कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के संबंध में एफबीआई रिपोर्ट पर एम्स के मेडिकल बोर्ड की राय के आलोक में थरूर के घरेलू सहायक नारायण सिंह और चालक बजरंगी से दिल्ली पुलिस ने फिर से पूछताछ की है। एक पुलिस सूत्र ने कहा है कि सुनंदा मामले की जांच कर रहे विशेष दल ने बीते 3 दिनों में 2 बार सिंह और बजरंगी से पूछताछ की। और रेटिना के एक इंजेक्शन से 7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। बीएचयू स्थित सर सुंदरलाल अस्पताल के नेत्र विभाग में उन्हें 28 जनवरी को इंजेक्शन लगाया गया था। 29 जनवरी को जब वे रोशनी खोने और आंख में जलन और दर्द बढ़ जाने की शिकायत लेकर फिर अस्पताल पहुंचे तो उन्हें एंटीबायोटिक का डोज दिया गया। सुधार नहीं होने पर चिकित्सक ने उन्हें बाहर नजदीक के क्लिनिक में इलाज के लिए भेज दिया, जहां डॉक्टर मोटी रकम तो मांग रहे थे पर रोशनी लौटाने की गारंटी नहीं दे रहे थे। और जनता दल यूनाइटेड ने ऐलान किया है कि वह उत्तर प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए रालोद उम्मीदवारों का समर्थन करेगा। वहीं वह बिहार में महागठबंधन के प्रयोग को सफलता के बाद अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों के लिए अजीत सिंह की पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और अन्य दलों से गठजोड़ की संभावना भी तलाश रहा है। जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने लखनऊ में पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि हमारी पार्टी 13 फरवरी को राज्य में होने वाले उपचुनाव में सभी 3 सीटों पर रालोद उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोरखपुर से सांसद महंत आदित्यनाथ ने बिहार के सीतामढ़ी में भगवान राम और लक्ष्मण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के काम करते हैं। उन्होंने कहा कि यह न्यायालय के कार्य को बाधित करने के आम जन को न्याय से वंचित करने की कुत्सित चेष्टा भी है। इस तरह के लोगों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ ही उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबरें आप ईएमएस टीवी की वेबसाइट के साथ साथ हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।